अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, जल्दी जल्दी मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने। अगर कोई वो नया है, इस ऐप को इंस्टॉल किया है लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आ रहा, तो उसके लिए ज़बरदस्त और बेहतरीन ऐप साबित होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट टू मी। मैं आपको आज काइनमास्टर के बारे में बताऊंगा कि उसमें वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले आप क्रिएट न्यू में जाएंगे तो ये ऑप्शन होते हैं साइज़ वीडियो के। मैं तो यही उठाता हूँ हमेशा, तकरीबन अगर कोई वीडियो बनानी है तो हम ऐसे करेंगे। तो क्या करेंगे तो आपको पता है। जीबी वॉट्स जाके वीडियो उठाएंगे। ये वीडियो उठा रहे हैं, ठीक है, उठा दी हमने वीडियो। इस वीडियो को क्रिएट, अगर हम इसमें कोई सॉन्ग लगाना चाहे तो आइडियो में जाएंगे। ये बीच में आपको ऑप्शन नजर आएगा, ये वाला, ये आइडियो में जाएंगे, सॉन्ग इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। अगर प्लस को दबाएंगे तो लग जाएगा पूरा सॉन्ग, इसमें लग जाएगा। अगर हम इसमें कोई स्टिकर बीच में लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। सेट में लेयर में जाएंगे तो स्टिकर को क्लिक करेंगे, कोई भी स्टिकर चॉइस कर सकते हैं। फुटबॉल का सपोज मैंने कर लिया, इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अगर बीच में पूरी वीडियो को देना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, फुल बड़ा। और इसको हटाना होगा तो डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर हम वीडियो बनाते बनाते बीच में बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, तो ठीक है, हेलो भाई, हेलो हेलो, ऐसे बना सकते हैं। ये देखो ऑप्शन भी लग गया। अगर सॉन्ग को आवाज़ इसका कम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। अब देखना आवाज सेम चला नहीं, छोटा है। अगर हम इसके साथ दूसरी कोई वीडियो अटैच करना चाह रहे हैं तो मीडिया में जाएंगे, फिर यहाँ से कोई ये ले रहे हैं, दूसरी छोटी कोई वीडियो उठाएंगे। ये उठाएंगे तो इसके साथ ये वीडियो भी लग गई, सही देख सकते हैं आप।